के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आए दिन वारदातों को अंजाम देते रहते हैं, लेकिन पुलिस है कि उन तक पहुंच नहीं पा रही। ऐसा ही एक मामला सोमवार को देर रात को घटित हुआ, जब फतेहगढ़ में रहने वाले ब्रजमोहन अहिरवार के घर से चोर लगभग 80,000 रुपए नकदी और चांदी के सिक्के लेकर उड़ गए। उस समय घर पर उनकी वृद्ध माँ एवं बहन मौजूद थी। चोरों ने दोनों को बंधक बनाकर घर में लूटपाट मचाई। वहीं महिला की माँ ने तो चोरों ने गला दबाकर उसको मारने की भी कोशिश की, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इसके साथ ही पुलिस कर्मी परिजनों से सुराग लगाने की बात कर रहे हैं। वहीं कुछ दिन पूर्व शासकीय स्कूल में भी चोरी की घटना को अंजाम देने वालों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। गाड़ियों में से भी बैटरी चोरी हो रही है। इस मामले में पुलिस अधिकारी मौन साधे बैठे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में चोरों की दहशत इस कदर हावी है कि लोग रात में सो भी नहीं पा रहे हैं। फतेहगढ़ से ग्राउंड रिपोर्टर जालम किरार की रिपोर्ट। वहां पर रखी थी संदूक उस जगह पर, मम्मी यहां पर सो रही थी पलंग पर, और वो साइड में पलंग पेटी रखी थी, अभी अंदर रख दी उठाकर उसको, इसमें गेट नहीं था उस चक्कर में। तो मम्मी यहाँ पर सो रही थी, तो उन लोगों ने ना ये पर्दा थोड़ा सा हटाया, हटाने के बाद में और मम्मी यहीं पर इधर था मम्मी उनका मुँह, तो मम्मी बोली कि अरे चोर चोर, इतने में ना वो आके नहीं भक्के ने आके और मम्मी का गला दबा दिया उन्होंने। गला दबाने के बाद में एक दुपट्टा पड़ा था, दुपट्टा से उनकी आँखें बांध दी, आँखें बांध के एक ने मम्मी का गला दबाया और आँखें बंद कर रखी थी, तो दूसरा व्यक्ति जो आया आके नहीं, उसने वो दुपट्टा बांध दिया आँखों पर। दुपट्टा बांधने के बाद में पर वो एक व्यक्ति चला जहाँ से चढ़ के, और उसने संदूक उठाया, इतने बहन जग गई वहाँ पे सो रही थी पलंग पेटी पे, उसने बोला अरे चोर चोर चोर, उसने बोला अरे बच्ची चुप रह के चिल्ला मत के, इतने में वो संदूक लेकर और चैन गेट में भाग गए। चैन गेट में ताला लगा हुआ था बाहर से, जब वो निकले ना उसमें कुछ भी नहीं था, ने थोड़ा सा खोला उन्होंने और निकल गए चले गए। उन लोगों में से किसी को जानते हो? नहीं सर, उनको किसी को नहीं जानते, उसमें मतलब मोटा मोटा लंबा लंबा बता रही थी बहन, मम्मी बोल रही थी मोटा मोटा लंबा लंबा था और गोरा गोरा था एक, और एक थोड़ा घंटा घंटा था, और मतलब वो भी मोटा मोटा था। मतलब भी आए थे 2 बजे रात को, 2 बजे रात के 2 बजे कितने आदमी थे? अब मैंने तो 2 देखी हैं, 2 ही घुसी थी, ये 2 देखी मैंने। अच्छा क्या क्या ले रहे हो? वे तो उठा के भाई ये ले गए, और मैंने 2 आवाज लगाई। मतलब क्या ले गए? भाई नहीं सूटकेस ले गए उठा के। क्या था उसमें? संदूक थी वहाँ, मैं तो भाई मैं रकम पास सब भाई में ही थे, पैसा देला। कितने मतलब पैसे थे? अब जब मैंने गिने थोड़ी जाइए पता होगा बेरन मोहन जी। बाबा तो तुम्हें सबने बता दा है ना? हाँ 80,000 रुपए थे। 80,000 और जो कुछ रकम वगैरह? वहाँ मैं थी 4 गर्रा पंचम जाद, दो घरे की चैन। किस प्रकार से जो मतलब चोर आए थे, किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया, तुम्हारे भी निशान हो रहे हैं जो मारा पीटी, मतलब किस तरह की मौत गेरो कर दी? मौत पता तो नहीं है, मतलब मैंने दो बेर लफाड़ो नहीं जे मैं यहाँ का बांध और गेरो कर दी, मतलब तो मार के घर आकर दबा दा और पट्टी बांध दी आकन पे, गेरो हो गई मैं तो। आपका गला दबा दिया था? हाँ पता होगी और का कुरो बनने और खा लेगा जो पता नहीं है। अच्छा जिस वक्त ये घटना हुई आपके घर के परिवार के सदस्य कहाँ थे? ये तो करमदा चलेगा दो ही मामड़ी तो। अभी पुलिस का कहना ये है कि अभी तो कुछ सूचना नहीं मिली है, और कुछ सूचना मिलने के बाद ही कुछ कार्रवाई करेंगे, अभी कुछ नहीं हो सकता। किस प्रकार की सूचना? जानकारी नहीं मिली अभी तक के। मैंने उनसे उनका फोन भी आया था मेरे पास सुबह, तो वे मेरे से पूछ रहे थे कुछ आपको जानकारी मिली है। मैंने कहा अभी तो सर कुछ जानकारी नहीं मिली है, और मैंने कहा हमको है ना मतलब पुलिस उल्टा पूछ रही है आपसे कि कोई जानकारी मिली? जानकारी मिली है, पुलिस पूछ रही है हमारे से कि आपको कुछ जानकारी मिली क्या। मैंने उनसे बोला मैंने सर हमको कुछ जानकारी नहीं, मैंने की जानकारी तो आपको मिलना चाहिए, मैंने की आप कुछ भी है ना कहीं से कार्रवाई करो शुरू अपना कार्रवाई करके, मैंने की कुछ ना कुछ जानकारी निकालो। अच्छा कि ठीक है, वो कुछ सूचना मिलेगी तो हम मतलब जानकारी करके ही कुछ करेंगे। इस संबंध में पुलिस ने किसी लोगों से पूछताछ की है कि क्या किसी पर शक जताया है आपने या पुलिस ने किसी ने भी? नहीं सर, उनने किसी से नहीं पूछा अभी तक, नहीं पूछा अभी तक। और हमको तो ये लग रहा है कि अपने पड़ोसी के अलावा और कोई मतलब ये कर नहीं सकता, क्यों बाहर का आदमी थोड़ी उनको जानकारी है कि इनके पास पैसा आया, कहाँ से आया, कैसे आया, तो बाहर के आदमी थोड़ी मालूम है। ये तो अपने पड़ोसी को भी मालूम है कि उनके घर ये आदमी कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं रात को, और मैं तो उस टाइम पे घर पे नहीं था, मैं रात को 9 बजे करमदा गया था, घर में कोई नहीं था, मतलब पूरे परिवार करमदा गया था, वहाँ पे सिर्फ मम्मी और मेरी बहन छोटी,
वो घर पे थी, छोटी बहन सो रही थी, उसको बिल्कुल मालूम नहीं है, मम्मी है ना पलंग पे सो रही थी, तो इसमें कमरे में गेट नहीं था, उनने आके नहीं और पर्दा हटाया, पर्दा हटा के नहीं और देखा तो मम्मी उस टाइम पे जगी थी, उनने बोला कि भैया कौन है, तो मम्मी चिल्लाने लगी अरे चोर चोर, तो आके मम्मी का गला दबा दिया और आके बांध दी, आके बांध के, और एक दो व्यक्ति थे, बताओ मम्मी बता रही थी, दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति जाके नहीं उसने जो अपना संदूक उठा के वो निकले आया, और जिसके बाद में मम्मी ना गला दबा रखा था उसने, इतने बहन उठे उसने चिल्लाया चोर चोर, तो इतने में छोड़ के नहीं भाग गए।